अधिकतर लोगों को ये भी नहीं पता कि अर्णव गोस्वामी को किस बात के लिए जेल में डाला गया है। तो 2018 में एक शख्स थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, और ऐसा उन्होंने जो अपना सुइसाइड नोट है उसमें लिखा था कि कुछ लोगों का नाम लिखा था और ये कहा था कि अर्णव जी ने मेरे पैसे वक्त पे नहीं दिए तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अब उनकी टीम का ये कहना है कि उन्होंने वो पैसे दिए थे। ये तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि किसी के वक्त पे पैसे ना देने से क्या कोई आत्महत्या कर सकता है। अगर करता है तो ये सही है, अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड है या नहीं है, किसी कारणवश अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, देरी हो जाती है तो क्या वो एक इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए ट्रायल हो। ये सब जानते हैं कि ये किस बात की उनको सजा मिली। आज उनको जेल में ले जाया गया और उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पप्पू सेना उनको सोनिया का जो असली नाम है वो लेने के लिए, इसको कहते हैं फेसिस्ट गवर्नमेंट, उसका नाम लेने के लिए उनको ये सब यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। मगर मैं पप्पू सेना से कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये बेवकूफी करके अर्णव गोस्वामी जी को आज तक का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जर्नलिस्ट बना दिया है। और वो जानते नहीं है कि वो उनको जितनी टॉर्चर करेंगे, जितनी यातनाएं देंगे, ही विल बी स्ट्रॉन्गर और उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती ही जाएगी। और इतिहास पप्पू सेना को इसी नाम से याद रखेगा कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर है उसके साथ में कैसी ज़ायती की थी, और इतिहास अर्णव गोस्वामी को एक हीरो की तरह याद रखेगा। जय हिंद। मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा। थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की। तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए। मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया, तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं। अर्णव गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा, हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में, और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल देती हूँ, ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए, इन विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए जब भी कुछ खरीदते हैं, सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णव गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है, कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाज़ें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए, कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है, अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं, अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना।